हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिले क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसकी क्या क्या रेटिंग होती है और उसका यूज कहां कहां पे किया जाता है, कि कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिले एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा हम इसको स्विचिंग के लिए उपयोग करते हैं मशीनों के लिए। दोस्तों, हमारे पास ये तीन रिले हैं, ये देख मेरा देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी है। इस पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी कॉइल सप्लाई, वाइड में लिखा हुआ देखा 24 वोल्ट डीसी कॉइल की सप्लाई, इसको 24 वोल्ट डीसी है। इसमें पीएम कंट्रोलिंग 250 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट डीसी डोलिंग, ये मेड इन चाइना का बना हुआ है, देख सकते हैं अच्छे से आ नहीं रहा है, मेड इन चाइना देख सकते हैं। इसमें देखिए हमारा कॉइल सप्लाई ए वन है हमारा 13 नंबर, ए टू है 14 नंबर, 13 और 14 मेरा कॉइल का सप्लाई है। इसमें हमारा 11 नंबर कॉमन है, 11 इसमें मेरा 11 नंबर है, ये देख सकते हैं 1 4 5 8 9 13 14 हमारा कॉइल की सप्लाई है। ये 1 5 8 11 9 कॉमन है, मतलब इसमें 11 नंबर और 9 नंबर इस पर होगा। ये देखिए 9 नंबर ये है, 9 नंबर से इन होगा तो इसमें एन ओ एन सी इसमें ये है और ये बेस में लगेगा मेरा, ये 11 नंबर आपको दिखा था, 9 नंबर ये है, ये 13 14 ये हमारा कॉइल की सप्लाई के लिए, कॉइल के लिए ये बेस है, इस पर ये फिट ऐसे लग जाएगा, ये हमारा रिले इसको रिले बेस बोलते हैं। इसके 12 नंबर पिन ये है, 9 नंबर ये है, 13 14 8 5 1 4 1 4 इधर है, ये देखते हैं 8 पिन रिले के लिए है। ये हमारा देखिए कॉमन सप्लाई है, 11 9 कॉमन है, 12 नंबर हमारा एन सी है और 14 नंबर एनओ, अभी फिर जब भी स्विचिंग होगा तो हमारा ये एनओ हो जाएगा और 12 नंबर एनसी हो जाएगा। वैसे ही हमारा 12 नंबर और 4 नंबर इस पर लिखा होगा, ये हमारा कॉमन है, ये देख सकते हैं 42 और 44 4 और 8 4 अभी हमारा नॉर्मली एनओ है और एनसी हमारा 8 नंबर, अभी जब स्विचिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये स्विचिंग इधर जाएगा, 8 नंबर हमारा एनओ हो जाएगा, एन ओ और एन सी हो जाएगा हमारा 4 नंबर यानी 42 नंबर, ये देख सकते हैं 8 पिन हो गया। ये 12 पिन रिले हमारे पास एक है, ये 12 पिन रिले है, ये देख सकते हैं इसकी स्विचिंग इसमें ज़्यादा है, एक साथ हम 4 चीज़ कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसमें 2 ही कर सकते हैं आप, इसमें भी 2 ही कर सकते हैं, इसमें भी 2 ही कॉमन पॉइंट है 1 और 8, इसमें हमारा कॉमन है 11 12 कॉमन है, लेकिन इसमें हमारा कॉमन है 1 2 3 4, इसमें कॉमन 4 पॉइंट है, ये देख सकते हैं अच्छे से देखिए 13 और 14 इसमें कॉइल की सप्लाई है, 1 नंबर कॉमन है, अभी हमारा 9 नंबर मेरा एनसी है, नॉर्मली ओपन एनओ और 5 नंबर है एनसी, नॉर्मली क्लोज है, जब ये स्विचिंग होगा तो हमारा एनओ हो जाएगा 5 नंबर, 6 नंबर एनसी हो जाएगा, 2 में वैसे 2 कॉमन है मेरा 6 और 9 6 और 10, 3 है 3 मेरा कॉमन है, 7 और 11 इसमें एनओ एनसी 7 और 11 है, 4 नंबर 4 में है हमारा कॉमन 8 और 12, ये देख सकते हैं मेड इन इंडिया का बना हुआ है, मेड इन इंडिया 5 एम्पियर तक इसकी रेटिंग लोड है, लोड दे सकते हैं हम डीसी, ये ऑपरेटिंग कॉइल है, इसमें 24 वोल्ट डीसी कॉइल की सप्लाई 24 वोल्ट है, इसमें हम लोड दे सकते हैं मतलब स्विचिंग के लिए 24 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक की हम स्विचिंग करा सकते हैं इस रिले के द्वारा, ये देख सकते हैं ओनली 5 एम्पियर तक की लोड दे सकते हैं इस रिले, इसकी कंट्रोलिंग है और कंट्रोलिंग कॉइल की सप्लाई 24 वोल्ट डीसी है, जबकि इसमें मेरा ये देख सकते हैं
कॉन्टैक्ट है, इस पर भी लोड हम 24 वोल्ट डीसी से 240 दे सकते हैं, लेकिन इसकी हमारी कॉइल की सप्लाई के लिए है 240 वोल्ट एसी कॉइल की सप्लाई के लिए, इसमें 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट से ऑपरेट करने के लिए देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, वीडीसी इसमें लिखा है 240 वोल्ट एसी, एसी के लिए हम जानते हैं। ये देखिए हमारा 2 और 7, 2 नंबर और 7 नंबर देख सकते हैं, इसमें ये कॉइल की सप्लाई है, इसमें 2 और 7 कॉइल के लिए है, और 1 और 8 कॉमन पॉइंट है हमारा, 1 और 8 इसमें कॉमन पॉइंट है, जिसमें कि हमारा एनसी हमारा 5 नंबर 6 नंबर है नॉर्मली ओपन, ये देख सकते हैं, और इसमें 1 नंबर के साथ जो कॉमन है उसमें हमारा 4 नंबर आपका एनसी है और 3 नंबर एनओ, ये देख सकते हैं मेकिंग 240 वोल्ट 240 से एसी, ए मतलब एसी है, एम्पियर यहाँ पे ना समझे, एक उस लेकर ये भी मेड इन इंडिया बना हुआ है। बॉटम व्यू में देखिए इसमें पिन नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें 1 नंबर आपका ये है, 1 2, 2 नंबर ये है, 3 4 5 6 7 8 8 पिन का है, ये देख सकते हैं 14 पिन रिले इसकी बेस है, ये देख सकते हैं ये इस पर फिट होगा, इसकी कनेक्शन के लिए ये यहाँ से वायरें कनेक्ट होंगी, इसके अकॉर्डिंग हमारा जिस तरह से प्रोजेक्ट होगा इस पर इसका कनेक्शन का लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।